मैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज अब पहली बार जब मैं आया हूं, एक नई ऊर्जा के साथ और संकल्प के साथ, और ये स्थान हम सब लोगों को प्रेरणा देता है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पर चलें। शोषित वंचित और ऐसे कमजोर लोगों की ताकत बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जिस तरीके से तप कर निकले, उन्होंने समाज का अन्याय, समाज का भेदभाव, समाज की तमाम कुरीतियों से लड़कर के वो खड़े हुए थे। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भारत रत्न और सबसे बड़ा अनमोल रत्न जो उन्होंने दिया, वो हमें संविधान दिया। और आज संविधान के ऊपर खतरे मंडरा रहे हैं, एक एक कर करके इन संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, उस संविधान को खत्म करने के लिए सरकारें काम कर रही हैं। इसलिए आज संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि वंचित शोषित और जो बहुजन समाज के लोगों को सम्मान, और इस देश के कमजोर लोगों की जो ताकत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दी थी, उसको बचा करके आगे बढ़ाएंगे। सर, आपने सवाल उठाए थे एनकाउंटर से, पाकिस्तान के कनेक्शन निकले हैं। देखिए, किससे कनेक्शन निकलते हैं, क्या कहे, लेकिन पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए इनकाउंटर कर रही है। और एक उदाहरण नहीं है, मैं तो बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि जिस बुलडोजर ने, जिन अधिकारियों ने, प्रशासन ने एक ब्राह्मण माँ और बेटी के ऊपर बुलडोजर चला दिया, आग लगा दी, उनके क्यूनी मिट्टी में मिला दिया, बलिया में एक नौजवान छात्र नेता जो चुनाव लड़ना चाहता था, उसको मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोगों ने मार मार करके जान ले ली, क्या आज का भारत ये है कि कमजोर की जान ले लेंगे? क्या भारत आज का ये है कि जो संविधान में हमें अधिकार मिले वो नहीं मिलेंगे? वो अलग बात है। क्या मनोबल गिरेगा? पुलिस के लोग खुद कर रहे हैं। क्या पुलिस के लोग भाग नहीं था? IPS क्या भगोड़ा नहीं था? क्या IPS पे इल्जाम इस बात के नहीं लगे कि IGF उत्तर प्रदेश से भागा हुआ था? आखिरकार कौन है? कुछ अधिकारी अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन अच्छे अधिकारियों को ये सरकार काम नहीं करने दे रही है। मुस्लिम के एनकाउंटर होता है तो हत्या बोली जाती है, बाकी लोग, मैं ये कहता हूँ, गाड़ी पलटी थी, जो गाड़ी पलटने पे आपने क्या कहा, गाड़ी पलटने में आप बताइए, थार चढ़ गई किसानों पर। एक पुलिस, सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर के नोटिस यूपी सरकार को क्यों है? सबसे ज्यादा जो कस्टोडियल डेथ यूपी में क्यों है?